गोटे तो आम आगे छुटाम बहुत बहुत अच्छा प्रोसेस है बेटा, चलो चालू रखो। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता की नटखट दुनिया में आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये कौन है, ये कौन है? हाय कदर। हाय। सो आंसी भी रेडी हो चुकी है क्योंकि आज श्रावण के महीने की दूसरा सोमवार है, तो हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और पापा जा चुके हैं ऐसे सोचकर कैसे मुंह बनाकर बैठी हुई है। देखिए पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सुबह सुबह अभी बजा है, मतलब थोड़ा सा देर हो गया, 9 बज चुका है। तो अभी हम लोग निकलेंगे, सारा सामान मैंने गाड़ी के डिक्की के ऊपर रख दिया है। और ये थोड़ा सा चिड़चिड़ हो रही है क्योंकि वो सोच रही है पापा चले गए हैं, हमें नहीं लेकर जाएंगे ऐसे सोच रही है। तो पापा तो हैं वहाँ पर, हमें लेकर ही जाएंगे। ओ मामा, पापा हैं बेटा वहाँ पर। चप्पल चप्पल, हम बिना लिए कहाँ जाएंगे पापा? हाँ चलो, पापा आ गए हैं। हाय, कहाँ जाएंगे बोल दे तो, कहाँ जाएंगे बेटा? मंदिर। नमो कर दे तो, नमो नमो नमो। हाँ नहीं, नमो भगवान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम तो, है ना बेबी? आज सुबह सुबह 7 बजे उठकर 8 बजे तक नहा चुकी है, खा चुकी है ना बेटू? भगवान जी को बहुत ही प्यारा है ना बेलपत्ता। और एक चीज चाहिए था मुझे जो कि नहीं मिला, चलेगा है ना बिट्टू? सो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे ही प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप लोग देख पाए और बहुत एंजॉय कर पाए। हाँ, आंसी कितनी खुश हो रही है देखिए, क्योंकि पापा आ गए। तो फ्रेंड्स, मंदिर आ चुके हैं, अभी चलेंगे अंदर और पूजा कर लेंगे। तो चलिए अंदर का नज़ारा कैसा है और कैसे पूजा करते हैं वो सब दिखाऊंगी वीडियो में, अंत तक बने रहिए। और ये है
शिव टेम्पल। तो भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं, पूजा कैसे करते हैं दिखाती हूँ। चलिए नमक दे, नमक दे, नमक करो। सो फ्रेंड्स, हम लोग पूजा खत्म करके मतलब आ रहे हैं घर वापस। क्या खा रही हो? नारियल खा रही है बेबी प्रसाद। दिखा दो फ्रेंड्स लोगों को भी थोड़ा दो। अकेले के खाते हैं क्या? दे दो नहीं ना, नहीं है बोल रही है ये तो, मतलब देना ही नहीं है। बाबा तो पूजा करना इतना शायद नहीं दिखा पाई। यहाँ पर इतना भीड़ की क्या बताऊं। धर्मगढ़ का जो मेन पोल है तो वो तो आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ है उसका हाल। इसलिए शॉर्टकट जो था रास्ता, तो इतना छोटा रास्ता है देखिए कि एक गाड़ी अगर जाए तो दूसरा गाड़ी वापस नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ से जा रहे हैं हम, वहाँ से आ रहे हैं, इसलिए जाम हो गया है रास्ता पूरा। अभी और एक घंटा शायद रुकना पड़े यहाँ पर। गाड़ी जा रहा था, फिर सब वापस आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, फिर जाएंगे। भगवान जी जल्दी जल्दी कर दीजिए। क्या कर रही हो? अच्छा, नारियल गिर गया था। कौन है ये? पानी पीना है क्या आपको?
तो ये मंदिर क्यों जाना था हमको कि वहाँ पर पंडित जी को अच्छा लगता है, हर वक्त जाते हैं तो बहुत मतलब क्लोज हो गए हैं वो, सो यहाँ पर जाने से मतलब कि इसके लिए इसका नाम का एक मतलब भोग बोलते हैं जो मंदिर में देना है हमको भगवान जी को, पूजा करना है इसके आंसी के नाम का, तो इसलिए पूछने के लिए गए थे कि वहाँ पर मतलब कब देने से सही रहेगा, इसलिए वो मंदिर गए, नहीं तो अलग मंदिर भी जा सकते थे। खास यही ही एक वजह है कि वो मंदिर जाने का, जान हम जानते थे भी रास्ता खराब है और एक गाड़ी ऐसे सब वापस आ रहे हैं। देखिए ऐसे में क्या करें पता नहीं, और एक घंटा लग जाएगा बिकार में। बोलबम जो बोलते हैं, बोलबम जाते हैं वो लोग भी गाड़ी में ये करके आ रहे हैं वहां पर। देखिए सुबह उठकर नहा धोकर मतलब जो नदी से जल लेकर गए और शायद थक गए हैं इसलिए गाड़ी में बैठ गए हैं, नहीं तो पहले हम जब छोटे छोटे थे ना तो तभी पापा भैया सब जाते थे बोलबम, तो बहुत रात से उठते थे और मतलब कि ऐसे नदी में जाकर पानी लेना और आकर मंदिर में चढ़ाना, चल चल कर जाना, चल कर आना, कुछ गाड़ी नहीं, चप्पल वप्पल कुछ कुछ भी नहीं, तो ऐसे होकर होता था। और एक बात, जो लोग अच्छे से मतलब कि ये करते थे ना, जो श्रावण के महीने के पहले सोमवार से ही वो लोग चल चल कर मतलब प्रण लेते थे कि किस मंदिर को जाना है, ऐसे एक मंदिर सोचते थे और यहाँ से पूरी या जहाँ पर भी जाना होता था तो उस मंदिर को एक वन मंथ तक चल चल कर जाते थे और वापस आते थे। जो जीजू हैं बड़े जीजू वो ऐसे करते थे, तो भगवान कैसे चलकर जाकर आ पाते थे, बहुत ही मुश्किल है। एक दिन बिना चप्पल के पहनकर जाना और आना तो मुश्किल हो रहा है, वो लोग तो वन मंथ तक चल चल कर जाते थे और आते थे भगवान जी, तो बहुत ही ब्लेसिंग भी करते थे भगवान उन लोगों को। गोड़े तो हमें आगे छुटा मना बहुत बहुत अच्छा प्रोसेस है बेटा, चलो चालू रखो, कहता पानी पी चीते देखो आंसी का ड्रेस का। फ्रेंड्स जाकर आ चुके हैं घर, अभी अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे आई ऐसे आ और चली गई रोड पर। बेबी मैं लेने जाती हूँ, रोड पर चली गई है वो। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आई होप कि अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हर दिन हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देख पाएँ आप लोग।